एमए का रिजल्ट कैसे देखे, एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का रिजल्ट कैसे देखे। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का रिजल्ट कैसे देखते हैं। इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, आपको यह समझ में आ जाएगा कि एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट कैसे देखते हैं और लास्ट ईयर का रिजल्ट कैसे देखते हैं, फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर का रिजल्ट कैसे देखते हैं। पूरी की पूरी वीडियो में आपको समझ आ जाएगी, इस वीडियो को आप देखते रहिए। और यह है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सहायता के लिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन को आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है आप ध्यान से सबसे पहले देखते चल जाइए। यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करना होगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में का मैं सबसे पहले बताता हूँ कि MGKVP से भी बहुत लोग हैं, नायक से भी बहुत लोग हैं। तो MGKVP हम सबसे पहले यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद ओके कर लेते हैं और उसके बाद जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं, MGKVP सर्च कर देते हैं। MGKVP जब हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नीचे ऑफिशियल लिंक मिलेगा। उस ऑफिशियल लिंक पर आपको क्लिक करना है। आप अगर क्लिक करेंगे, अगर सर्च कर ले तब तो बढ़िया, नहीं करे तब तो कोई बात नहीं है, इसको डायरेक्ट यहाँ पैक करो। ये मैप में चला गया, कहीं और से ला कर लेकर चला गया लगता है मुझे, तो चलो इसको कट कर लो। और उसके बाद जाकर हम लोग अपना खोल हैं, अपना इसमें जाकर आपको MGKVP रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट, एग्जामिनेशन, टाइम टेबल, एडमिशन किसी पर भी आपको क्लिक करने हैं, बट MGKVP ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट क्या करना है कि आपको यहाँ पे थ्री डॉट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको MGKVP पर रिजल्ट मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ कोर्स टाइप में क्लिक करना होगा, आपको UG एनुअल है या PG एनुअल है, तो PG सेमेस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। और उसके यहाँ पे आपको करना होगा MBA फोर्थ सेमेस्टर, यहीं पे MA का दिखाएगा, यहाँ पे अभी MBA का दिखा रहा है, यहीं पर MA का दिखाएगा जो कि होगा। और यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है रोल नंबर, और ये सर्च करके आपको MBA फोर्थ सेमेस्टर जिस टाइम इस टाइम आया है उसको आप चेक कर सकते हैं। UG एनुअल क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट, एक मिनट और इसे बैक चलते हैं, बैक चलेंगे तो उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे लेकर चल जाते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, MGKVP यहाँ पर, यहाँ MGKVP ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करना होगा क्या, MGKVP। आप MGKVP जब आप यहाँ सर्च करेंगे तो तुरंत तुरंत आपको यह वेबसाइट पर लेकर चलाएगा। यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद UG एनुअल जब क्लिक करेंगे तो UG एनुअल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी BA, BSc, BCom का ही बस दिखाएगा, यानी BCom, BCom, BCom का आ गया होगा रिजल्ट, तो BCom का ही यहाँ पे ओनली ओनली रिजल्ट दिखाएगा। यहाँ पे अगर PG करते हैं, PG सेमेस्टर सिस्टम करते हैं, तो यहाँ पे आपको MA की कोर्स से, MBA की कोर्स से, MSc की कोर्स से जो भी होंगे वह कोर्स से दिखाई देती हैं। तो इतना समझ में आ गया तो मैं